19 मई बड़ा रविवार, पूरे 500 वर्षों बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग में आई मोहिनी एकादशी। सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में डाल देना, यह एक चीज जो भी मांगो के हाथों हाथ मिलेगा। 7 पुस्तें तक करेंगी रुपए पैसे निराज। राधी राधी दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से वे अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के समस्त कष्टों को दूर करते हैं। यह दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने से कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई दिन रविवार को है। इस दिन कई दिव्य और दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। इस दिन दो पुष्कर योग, स्वास्थ्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुक्रादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। इसके साथ ही दार भंग योग का भी निर्माण हो रहा है। इन अद्भुत संयोगों में जो भी पूजन या उपाय किए जाते हैं वह जल्द ही सिद्ध होते हैं और कई लाख गुना अधिक पुण्य फलदायी होते हैं। यह योग भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास माने जाते हैं। इन शुभ योग में भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ सूर्य देव का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से नवग्रहों से संबंधित समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य देव को ग्रहों के राजा कहा जाता है। इस दिन सूर्य देव के प्रसन्न होने से समस्त ग्रह दोष दूर होते हैं। मोहिनी एकादशी पर पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक रहेगा और व्रत का पारण 20 मई को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 20 मई की सुबह 5:28 से सुबह 8:12 तक रहेगा। रविवार के दिन एकादशी होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है। रविवार एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान सूर्य नारायण का पूजन अवश्य करना चाहिए। यह दिन भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। माना जाता है इस दिन भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान सूर्य सभी ग्रहों के राजा है। माना जाता है जिन्हें सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो जाती है उन्हें सभी ग्रह दोषों से, ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। भगवान सूर्य की कृपा के बिना व्यक्ति को उच्च पद, सफलता और मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए भगवान सूर्य नारायण का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको रविवार और एकादशी के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान सूर्य नारायण की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। उच्च पद मान सम्मान की प्राप्ति होती है, कष्टों से छुटकारा मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही आर्थिक संकट भी दूर होते हैं। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य देव का पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। लाल रंग के वस्त्र ना हो तो आप कोई भी और शुभ रंग के वस्त्र पहन लें, लेकिन काले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य देव का पूजन ना करें। अब आप एक तांबे का पात्र लें।
तांबे का पात्र ना हो तो पीतल या स्टील का पात्र ले सकते हैं, लेकिन भूलकर भी प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। तांबे के पात्र से भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि तांबा भगवान सूर्य देव की धातु है। तांबे के लोटे में आप शुद्ध जल भरें। अगर आपके यहाँ गंगा जल हो तो थोड़ा सा गंगा जल भी आप इस पात्र में अवश्य ही डाल लें। अब इस जल में आप एक चुटकी हल्दी मिलाएं, थोड़ी सी साफ चीनी मिलाएं और अगर पुष्प हो तो दो लाल रंग के पुष्प भी डाल दें। दोस्तों ध्यान रखें, एकादशी के दिन चावलों का इस्तेमाल करना वर्जित होता है, इसलिए आज के दिन भूलकर भी भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के पात्र में आप चावल ना डालें। इन सभी वस्तुओं को डालने के बाद दोस्तों आप भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने की इस सबसे जरूरी वस्तु को जल में अवश्य ही डालें। यह वस्तु है लाल रंग का चंदन। अगर आपके यहाँ लाल रंग का चंदन है तो थोड़ा सा चंदन आप इस जल में मिला दें। अगर चंदन ना हो तो लाल रंग के कुमकुम आप इस जल में अवश्य ही मिलाएं। अब आप जल के लोटे को किसी खुले स्थान पर ले जाएं। आप अपनी छत पर, आंगन में या घर से बाहर किसी खुले स्थान पर जा सकते हैं। खुले स्थान पर जाने के बाद भगवान सूर्य नारायण की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और इस जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने सिर से ऊपर उठाएं। अब आप भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करते समय आप भगवान सूर्य नारायण के इस गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। दोस्तों आपको इस मंत्र का एक बार जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। फिर आप कुछ सेकंड के लिए रुकें, फिर दूसरी बार इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर आप कुछ सेकंड के लिए रुकें, फिर तीसरी बार में आप इस मंत्र का जाप करते हुए सारा जल आप भगवान सूर्य देव को अर्पित कर दें। दोस्तों ध्यान रखें, आपको तीन बार में पूरा जल भगवान सूर्य देव को अर्पित करना है। सिर के ऊपर हाथ रखकर इस प्रकार जल भगवान सूर्य देव को अर्पित करने से जल की धारा में से होकर भगवान सूर्य देव की सभी किरणें आपके पूरे शरीर पर पड़ेंगी। इससे आपका शरीर निरोगी और तेजवान बनेगा। आपके शरीर में जो भी विकार होंगे वह भगवान सूर्य नारायण की कृपा से दूर हो जाएंगे। जल चढ़ाने के बाद आप अपने स्थान पर खड़े होकर क्लॉकवाइज घूमते हुए भगवान सूर्य देव के सात परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी मन ही मन भगवान सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद आप भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करें, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। फिर अपने स्थान पर खड़े होकर ही भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। दोस्तों अगर आप वहीं पर खड़े होकर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप अपने घर में आकर भी आसन पर बैठकर मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य देव का पूजन करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान जी की कृपा से जीवन और कामकाज में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, साथ ही धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं, ग्रह दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। व्यापार और कामकाज में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना। इसलिए आप सभी इस शुभ अवसर पर भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए इस तरह भगवान सूर्य देव का पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों भगवान सूर्य देव का पूजन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य देव को जल देते समय मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर कभी पूर्व दिशा की ओर सूर्य देव नजर ना आए तब भी पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए।
सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कांच, प्लास्टिक, चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हो सके तो सूर्य देव को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल इस तरह अर्पित करना चाहिए कि सूर्य देव को जो आपने जल अर्पित किया है वह बहकर आपके पैरों में ना आए, और सूर्य देव को कभी भी जूते चप्पल पहनकर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय पैरों पर अगर छींट आ जाती है तो उससे दोष नहीं लगता, लेकिन चढ़ाए हुए जल अगर आपके पैरों में आ रहा है या आप उस पर चलकर जा रहे हैं तो इससे आपको दोष लगेगा। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए अगर आपके घर में कोई खुला हुआ स्थान नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकें, तो आप एक खाली पात्र रखकर उसमें सूर्य देव को जल अर्पित करें और बाद में उस पात्र के जल को आप किसी पेड़ पौधे के जड़ में डाल दें। सूर्य देव को जल हमेशा बिना कुछ खाए हुए ही चढ़ाना चाहिए। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और आपको सुबह ही कुछ खाना आवश्यक है तो आप खा सकते हैं, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें बिना कुछ खाए पिए ही स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय भूलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आप सभी सूर्य देव का पूजन करते समय इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें और इस शुभ अवसर का अवश्य ही लाभ उठाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।